बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द स्पाइडर इस्लामी के प्यारे नाज़रीन ख़वातीनों हज़रात अस्सलामुअलैकुम। इस्म अलालीमु के खवास। नंबर एक, जो कसरत से यालीमु का वर्द रखेगा अल्लाह ताला उस पर इंशाल्लाह इल्म व मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देगा और जो अल्लाह ताला से मांगेगा जल्द मिलेगा और हाफिज़ा कवी होगा। नंबर दो, जो कोई इस इस्म को दिल में पढ़े साहिब मग़रिफ़त हो जाएगा और अगर फ़र्ज नमाज के बाद 150 यानी 150 बार पढ़ेगा साहिब यकीन हो जाएगा। नंबर तीन, जो कोई नमाज के बाद 100 बार या आलिमुल ग़ैब पढ़े अल्लाह ताला उसको साहिब कशफ बना देगा। नंबर चार, जो इस्तिखारा करना चाहे शब जुमा नमाज के बाद 100 बार मस्जिद में ये इस्म मुबारक पढ़कर सो रहे मतलूबा हाल से आगाही पाएगा। नंबर पाँच, जो कोई नामालूम अमर दरियाफत करना चाहे अवल 2 रकत नमाज पढ़े फिर दुरूद शरीफ फिर ये आयत सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अलिमतना इन्नका अंता अलीमुल हकीम 70 बार पढ़कर या अलीमु इल्मने या खबीरु अखबिरनी या मुबीनु बैनाली 100 बार पढ़कर अपना मतलूबा तसव्वुर करके लेट जाएं, अगर नींद ना आए तो सुबह किसी मजमे में चला जाएं, वहां लोगों की बातों से बतारीक इशारा मालूम करें। नंबर 6, जो हर नमाज के बाद 100 बार या आलिमुल ग़ैब व शहादात को मामूल बनाएगा इंशाअल्लाह साहिब कशफ हो जाएगा। नंबर 7, अगर कोई शख्स या अलामुल ग़ुयूब इसको इस कदर पढ़े कि उस पर हाल तारी हो जाए तो उसकी रूह को आलिम बलाई पर तरक्की नसीब होगी। सुभान अल्लाह।